चल के मैं पक्की तो सरनाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सब दुख दवाए जियो। गुरु प्यारी साध संग जी, दशमेश बख्शी हुई फतेह कबूल करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। साध संग जी, आप जसिंह ट्रैवल के जरिए दर्शन करांगे गुरुद्वारा गऊघाट। असी जिहड़ियां संगतां नवीं जुड़ियां हैं उन्होंने बेनती करते हैं कि वह इस चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लैन, बैल आइकॉन का बटन दबा दें ता जो आप जी आने वाली हर वीडियो की जानकारी मिलती रहे। इस गुरुद्वारे में आने वास्ते जे आप जलंधर बाईपास तो आने तो इसकी कुल दूरी 4 किलोमीटर, अगर रेलवे स्टेशन तो आने तो 2.5 किलोमीटर, और जो बस अड्डे तो आने तो इसकी दूरी 7 किलोमीटर, अगर आप चंडीगढ़ तो आने तो समराला चौंक तो इसकी दूरी कुल 1.5 किलोमीटर। यह गुरुद्वारा 3 नंबर डिवीजन गौशाला रोड उपर स्थित है। इस गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी ज्ञानी सुरजीत सिंह जी हैं जो तो सानू उत्थे इस गुरुद्वारे का संखेप इतिहास श्रवण कराउणगे जी। तो आओ चलते हाँ गुरुद्वारा गऊघाट दर्शन करते हैं जी। वाहेगुरु खालसा, वाहेगुरु। गुरु प्यारो, यह है गुरुद्वारा गऊघाट। इस दे सज्जे पासे एक मंदिर है तो खब्बे पासे 2 मंदिर। इन गुरुद्वारे के मंदिरों दिन आपस में अंदरों कंधा भी साझिया हैं। ये सानू इंसान तो कि सोहना संदेश देंगे रल मिल के इकट्ठे रहन दा। मन को कूटे कूटे न सोए, जो मन को कूटे मन कूटे तो जमते सूटे, मन कूटे तो जमते सूटे। मन को कूटे मन कूटे तो जमते सूटे, मन कूटे तो जमते सूटे, मन कूटे तो जमते सूटे। बोलन के माहे विचार
का खालसा वाहिगुरु। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, यो पावन पवित्र इतिहासिक स्थान है जिस स्थान पर श्री गुरु नानक देव महाराज जी 1515 में संसार में उतारते हुए इस पावन स्थान पर आए। इस स्थान पर जो राजा साहब जी जलाल नवाब लोधी खान इस इलाके का राजा हुंदा सी, उस राजे ने जो पता लगा कि संत महापुरुष गुरु नानक पातशाह साढ़े इलाके आए ने, तो वह संगतों को नाल लैके भेटा लैके गुरु नानक पातशाह के दर्शन करने वास्ते आया। प्यार नाल सेवा की, सेवा करके गुरु नानक पातशाह के चरणों पर मंग की, सच्चे पातशाह तुसीं कृपा करो, ये जो दरिया वगदा है ये साडा दरिया शहर का बड़ा नुकसान करता है, नगर नहीं वसदा। तो गुरु नानक पातशाह ने उन्हां दी बेनती नूं प्रवान करके असीस दिती कि तुसीं इलाके दे नामवर महान हस्ती हो, राजे हो, तुसीं प्रजा दे नाल इंसाफ करिया करो। जदों तुसीं प्रजा नाल इंसाफ करोगे तो कुछ समा पा के तुहाडा नगर बड़ा घुल वसेगा। ये दरिया जिहड़ा ये 7 कोह दूर चला जाएगा। तो गुरु नानक पातशाह ने राजे नूं असीस दिती, आप जी संसार नूं उतारदे हुए अगह चले गए। समा पा के सतलुज दरिया जिहड़ा इत्थे वगदा सी वो अज गुरु नानक पातशाह दे असीस दे असीसां सदका 14 किलोमीटर दूर फलौर दी कोल शहर दे कोल चलदा पिया है। बुढ़ा दरिया है इत्थे गुरद्वारा साहिब दे बैक साइड ते गुरु नानक पातशाह ने असीस दित्ती सी कि दरिया नुकसान नहीं करेगा, बुढ़ा होके वगेगा। सो अज भी वह दरिया बुढ़ा दरिया कल जाने गुरु गुरद्वारा साहिब दे बैक साइड ते चलदा है। उदों पापूलेशन घट सी, अज पापूलेशन वध होण करके उस दरिया में जिहड़ा गंदा पानी दरिया चलदा पिया। सो गुरु नानक पातशाह ने असीस दित्ती कि अज शहर दे विच सब तो मेन स्थान गुरु नानक पातशाह का ये गऊघाट गुरद्वारा साहब है। गऊघाट गुरद्वारा साहब क्यों पिया? इत्थे घाट हुंदा सी, उस समय जंगल सी, बियाबान सी, लोग इत्थे घाट ते कपड़े धोंदे सी, गऊआं पानी पीदियां सी, इस करके इस गुरद्वारा गुरु नानक पातशाह की असीस सदका जिहड़ा लुधियाना शहर है लोधियाणा लोधी के नाते सी, अज लुधियाणा शहर सारे संसार में बड़ा घुम वसदा पिया है। इस स्थान पर विसाखी का पावन पुत्र दिहाड़ा, गुरु नानक पातशाह का प्रकाश गुरपुरब, गुरु नानक पातशाह का विआह पुरब बड़ी श्रद्धा के उत्साह में हर साल बड़ी धूमधाम मनाया जाता है। दूरों दूरों संगत आ के इस पावन स्थान के दर्शन करके गुरु का तन मन धन सेवा करके गुरु नानक पातशाह को आशीष प्राप्त कर दिया ने। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी। सतसंग जी, वाहेगुरु जी, किदा हुई आ यात्रा? वधिया हो गई ना? भाई साहब ने इतिहास भी बहुत वधिया आपां नूं सुनाया, पूरे सहायता नाल विस्तार दे नाल एक एक गल। असीं अरदास करदे हां कि जिन्नी भी संगत इस वीडियो नूं वेख रही है, जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने उस राजे लोधी दियां अरदासां पूरियां कीतियां, मनोकामना पूर्ण कीतियां, वाहेगुरू जी साडिया भी अरदासा पूरिया करन। सारिया संगत जिन्नियां वीडियो वेख रही उन्हां दियां अरदासा कबूल करन, मन दियां मनोकामना पूर्ण कर। वाहेगुरू जी, इस वीडियो नूं वध तों वध लाइक कर दिओ, शेयर करो, कमेंट जरूर करके दस्सो जो भी कि लगी। तो आप मिल अगले गुरुद्वारे, इजाजत दिओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरु जी।